Hold on for a second, 8 minutes. एंड आई होप अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यस हेलो, यस सर, यस सर। ओके फाइन। सो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर डिस्कस कर लिया है हमने, सो ऑल दिस आर डन। सो वी स्टार्टेड ऑफ विद अ वेरी बेसिक एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। वन ऑफ द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर दैट इज वोल्टेज फॉलोअर। दिस इज अ टिपिकल सर्किट डायग्राम ऑफ वोल्टेज फॉलोअर। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपली आपके पास एक जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वहां पे इनपुट कनेक्टेड है एंड योर इन्वर्टिंग टर्मिनल इज कनेक्टेड टू माय आउटपुट टर्मिनल एंड व्हाट इज दैट यू हैव सीन इज द आउटपुट वोल्टेज दैट वी गेट इज इक्वल टू माय इनपुट वोल्टेज। दिस इज वन ऑफ द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो दिस इज आवर टिपिकली अ वोल्टेज फॉलोअर लुक्स लाइक। किसी भी न्यूमेरिकल में कहीं भी क्वेश्चन में अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया, इस तरीके का सर्किट दे दिया, यू नीड नॉट लुक फॉर एनीथिंग। अच्छा ये क्लोज लूप है, नेगेटिव फीडबैक है, so this is simply a voltage follower circuit where this output voltage will be equal to your input voltage. we have discussed kar liya tha and the inverting summing amplifier ye bhi humne discuss kar liya tha. I hope isme bhi confusion nahi hai. I1 plus I2 plus I3 was equivalent to this total current I. okay, to bas humne us KCL equation ko use karke and by using these two conditions that R1 R2 R3 is equal to R and Rf is also equivalent to R, if I take these two conditions finally I land up with the result that is V naught is equal to V1 plus V2 plus V3 minus of this sum. So this kind of output जहाँ हमें मिल रहा है इस तरीके के amplifier को हम कहते हैं inverting summing amplifier. No doubt we are getting a sum over here because of this negative sign. What is the term that is been added to this application is inverting summing amplifier. So हमारा जो next application होगा we don't want this negative sign. Simply we want the sum, nothing but V naught should be equal to V1 plus V2 plus V3. Okay, jitne bhi sources aapke connected ho. So that is what we want. So uske liye humne dekha ki, one second. Okay. So for that we have taken a circuit over here. Is tarike ka humne ek circuit liya tha. Is tarike ka humne ek circuit liya tha. And instead of giving the input to the negative terminal, we are giving the input to our positive terminal. Positive terminal mein hum input de rahe hain. एंड वी आर लुकिंग फॉर दिस आउटपुट। यहाँ पे जो आउटपुट आएगा इस आउटपुट की वैल्यू कितनी होगी, किसी ने ट्राई किया इसको? हेलो, डिड एनीवन ट्राई दिस? यस और नो बता दीजिए एटलीस्ट। नो सर। चलो ट्राई नहीं किया, चलो आपको टाइम देगा। One second, yes. ठीक है, सो लेट मी डू इट स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करते हैं इसको कि कैसे हमें इसे प्रोसीड करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू ऑब्जर्व हियर इज इट अ क्लोज्ड लूप कॉन्फ़िगरेशन? द आंसर इज यस, इट इज अ क्लोज्ड लूप कॉन्फ़िगरेशन। एंड आफ्टर दैट इज इट अ नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन? यस इट इज अ नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन। तो वहां से जो पहला चीज जो मुझे पता होता है दैट इज वी प्लस इज इक्वल टू वी माइनस। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड दैट वी प्लस इज इक्वल टू वी माइनस। तो पहले मुझे क्या निकालना होगा? वी प्लस निकालना होगा। अगर मुझे वी प्लस पता है तो मुझे वी माइनस पता है एंड इफ आई नो वी माइनस व्हाट इज दैट आई कैन अप्लाई इज कैन आई अप्लाई केसीएल एट दिस पर्टिकुलर नोड? क्या यहाँ पे हम केसीएल अप्लाई कर सकते हैं? यस I can apply a KCL. Yes, sir. Okay. तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे निकालना है that is V plus I need to evaluate. Okay. So V plus मुझे evaluate करना है, लेकिन मुझे यहाँ पे दो inputs available हैं that is V1 and V2. So what is that I will be doing is I'll be using my superposition theorem. Superposition theorem में क्या होगा? One source at a time and other source will be deactivated. एक source को हम लेंगे और दूसरे source को हम deactivate कर देंगे. So let me solve it in two steps. Let me solve this. सर्किट इन टू स्टेप्स। सो लेट मी कंसिडर स्टेप वन। स्टेप वन में हम क्या कर रहे हैं? वी वन को हम कंसिडर कर रहे हैं एंड वी टू इज जीरो।
V1 को हम कंसिडर कर रहे हैं, V2 को हम क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं. सो इफ आई हैव टू रीड्रॉ दैट सर्किट, सो इफ आई हैव टू रीड्रॉ दैट सर्किट, सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. सो इस तरीके से आपको दिखेगा. सो दिस इज नथिंग बट माई V1 एंड दिस इज नथिंग बट माई ग्राउंड. इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, ये मेरा R1 था एंड दिस इज माई R2 एंड V2 इज ग्राउंडेड. V2 is grounded and this is the positive terminal and this is the negative terminal. Okay, and the space ka constraint hai, so I'm drawing it through as a bit soon. I hope it is clear. Okay, let this be R1 and let this be R1. यही सर्किट है, बस मैंने इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दिया. सो व्हाट इज आर एडवांटेज, आई वांट दिस वी प्लस. सो वी प्लस की वैल्यू क्या होगी, बाय सिंपली अप्लाइंग द पोटेंशियल डिवाइडर रूल, V1 इनटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. ओके, सो V माइनस भी क्या हो जाएगा, V माइनस विल बी इक्वल टू व्हाट, सेम V1 V1 R2 upon R1 plus R. So this itself, so यही आपका V minus भी हो गया. तो यहाँ पे आपको V minus पता चल गया. And this is V naught. And this is nothing but the ground. So अभी जो output आएगा that is V01. Okay? तो यहाँ पे आप KCL लगा सकते हैं. KCL लगा के वहाँ से आप V01 निकाल सकते हैं. Can you apply KCL and evaluate V01? कर सकते हैं या नहीं, बताइए. सो जस्ट गिव मी द आंसर, V01 कितना आ रहा है बताइए एक बार आप लोग. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V01 दैट यू विल बी गेटिंग, प्लीज बताइए एक बार. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V01 दैट यू विल गेट, V माइनस इनटू RF अपॉन R नॉट. ओके फाइन, तो आपने उस तरीके से किया है, फाइन, यू कैन डू इट दैट वे, और एल्स सिंपल तरीका होता है तो ओके आई शुड बी. चलो वन सेकंड, लेट मी टेक अ न्यू स्लाइड. यहां पे मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं फर्स्ट जनरल स्पेस कम है वहां पे. सो दिस इज माइनस प्लस, ये V1 था, ये ग्राउंड है, दिस इज नथिंग माइन. अब कैसे भी करो आपको सेम रिजल्ट आएगा, बट हमारे पास एक डायरेक्ट रिजल्ट है, विल ट्राई टू यूज द डायरेक्ट रिजल्ट. इस डायरेक्ट रिजल्ट को हम यूज करने के लिए ट्राई करेंगे. सो दिस इज V प्लस वी हैव गॉट, दिस इज R0 एंड दिस इज नथिंग बट RF. यहां से जो V01 जो आएगा, सो इजंट इट लुकिंग लाइक अ नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर, क्या नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर लग रहा है, क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर नोड पे वोल्टेज पता है. यस, इस पर्टिकुलर नोड पे मुझे वोल्टेज पता है. नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर कैसा होता है आपका, एक नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर होता है ऐसा, आपका इनपुट यहाँ पे दिया जाता है, इनपुट प्लस माइनस. सो दिस इज हाउ अ नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर लुक्स लाइक. आई होप इट इज क्लियर. हमने इसका आउटपुट इक्वेशन निकाला था, इसका आउटपुट क्या आता है, 1 प्लस RF अपॉन R0 इनटू V प्लस. ओके, R0 इनटू V इन. अगर हम इस सर्किट को लेते हैं तो ये होता है हमारा नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर. तो उसका आउटपुट इक्वेशन भी होता है इस तरीके से हम लिखते हैं. तो यहाँ पे मुझे V प्लस पता है, V प्लस आई ऑलरेडी नो, सो आई कैन अप्लाई दिस सिंपल नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर का जो आउटपुट इक्वेशन है. तो इफ आई राइट इट दैट वे, सो व्हाट इज दैट, आई कैन राइट इज 1 प्लस RF divided by R0, okay, into V plus. So V plus क्या है हमें पता है, V plus is equal to V1 into R2 divided by R1 plus R2. R1 plus R2. Is this clear? So this is what we already know.
ये रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता है, तो अभी मुझे क्या करना है, बस जैसे हमने V01 निकाला उसी तरीके से हम V02 भी निकालेंगे। जब V02 निकालेंगे तो यहाँ पे जो होगा आई विल बी गेटिंग अ डिफरेंट वैल्यू, यहाँ पे हमें डिफरेंट वैल्यू मिलेगा बिकॉज यहाँ पे V2 होगा, यहाँ पे R2 होगा और यहाँ पे R1 होगा। सो अकॉर्डिंगली उस टाइम पे जो मुझे वोल्टेज मिलेगा वो होगा अगर V02। V02 का भी सेम एक्सप्रेशन आएगा, दैट इज 1 RF / R0। एंड इस केस में जो इनपुट वोल्टेज होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ V2। जब V2 जो होगा V2 × R1 / R2। Is this clear? So, and what is the total output? Total output will be equal to V01 + V02. अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, so what is that? It will be common. दोनों के बीच में कॉमन क्या होगा? What is the term that is common between these two? One plus RF upon R naught जो है दोनों में कॉमन है। एंड ऑल्सो देयर इज वन मोर टर्म दैट इज कॉमन, दैट इज R1 + R2। यस, इट इज R1 + R2 इज द टर्म दैट इज कॉमन। सो ये क्या आ जाएगा, V1 R2 + V2 R1। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट दैट वी गेट। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा रिजल्ट दिख रहा है हमको, 1 RF / R0 / 1 R1 + R2 × this entire thing that we have। ठीक है, सो वॉट इज दैट, वॉट इज, यू वॉन्ट द डायरेक्ट सम। मुझे क्या चाहिए आउटपुट में, क्या चाहिए आउटपुट में, जो चाहिए दैट इज V1 + V2। एंड V1 + V2 कब मिलेगा, जब ये R1 और R2 जब दोनों इक्वल होंगे। यस, हेलो हेलो, अब मुझे बताइए वॉट इज, वॉट शुड बी द वैल्यूज ऑफ R1, R2 and RF and R0। इन चारों की वैल्यूज कितनी होनी चाहिए सच दैट मुझे आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा, फाइनल आउटपुट जो मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू V1 + V2। ये फाइनल रिजल्ट कब मिलेगा, व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ दीस फोर रेजिस्टेंसेस आपके हिसाब से बताइए। R1 = R2 and RF = R0। यस, यही होना चाहिए। हेलो, यस सर, क्या यही होना चाहिए? ऊपर देखिए, अगर R1 R2 के बराबर होगा तो व्हाट विल हैपन। R1 और R2 के इक्वल हो जाएगा तो फिर अपॉन में तो 1/2R और वो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है V1 R कॉमन निकल जाएगा तो 1/2 बचेगा टोटल। This will become 1 + 1, 1 + 1 = 2 हो जाएगा, 2 and 2 will get cancelled and finally this will be equal to V1 + V2। So what is that we want is, हमें जो resistances की वैल्यू चाहिए that is R1 should be equivalent to R2 and RF should be equivalent to R0. So these are the two things that we expect. ठीक है, थोड़ा सा बहुत सारे इक्वेशंस आपको लग रहे हैं, सो लेट मी सिंपलीफाई दिस नाउ। सो व्हाट इज दैट, वी हैव इस इनपुट साइड हमारे पास दो वोल्टेज सोर्सेस हैं कनेक्टेड थ्रू टू रेजिस्टेंस दैट इज R1 + R2। ठीक है, अगर मुझे सिंपल V0 चाहिए, V0 व्हिच इज इक्वल टू V1 + V2, इफ दिस इज द आउटपुट दैट आई एक्सपेक्ट, सो व्हाइल डिजाइनिंग दिस सर्किट, व्हाट इज द थिंग दैट आई नीड टू कीप इन माइंड इज दिस R1 and R2 बोथ शुड बी इक्वल एंड दिस R0 and RF शुड बी इक्वल। जब ये दोनों इक्वल होंगे R1, R2 and RF and R0, सो व्हाट इज द आउटपुट रिजल्ट दैट आई विल गेट इज V1 + V2, व्हिच इज डायरेक्टली द सम ऑफ द इनपुट्स दैट आई एम गिविंग, व्हिच इज डायरेक्टली द सम ऑफ इनपुट्स दैट आई एम गिविंग, अनलाइक द प्रीवियस केस। प्रीवियस केस में क्या था, माइनस ऑफ द सम दैट आई वॉज गेटिंग, इसलिए हमने इसको क्या बोला था, इनवर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, डायरेक्टली सम आई विल बी गेटिंग दैट इज V1 + V2, and this kind of an amplifier will be called as a summing amplifier, हम simply बोल सकते हैं, and I can add one more term to that, and what is that term is non-inverting summing amplifier, या तो इसको summing amplifier बोलो, both one in the same, लेकिन यहाँ पे हम इसको simply summing amplifier नहीं कह सकते, because I am getting a negative sign over here, so what is the term that I need to add here is, I need to add this inverting summing amplifier over here. Is this clear? Hello? Yes, sir. I hope it is clear. चलो,
एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस किया इन दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर, बिकॉज हम डिस्कस करते जाएंगे एप्लीकेशन जो हमने डिस्कस किया उसको भूल जाएंगे. सो लेट मी समराइज व्हाट आर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड. सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इज एन इनवर्टिंग एम्पलीफायर. सबसे पहला जो हमने डिस्कस किया था दैट वॉज इनवर्टिंग एम्पलीफायर. सो दिस इज द बेसिक दैट वी हैव डिस्कस्ड. ओके, यहाँ पे क्या था, इनपुट कहाँ पे दिया जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल इनवर्टिंग एम्पलीफायर में? नेगेटिव टर्मिनल. यस, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल एंड टू दिस वी गिव द इनपुट एंड आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा दैट विल बी ग्राउंडेड एंड व्हाट इज द आउटपुट दैट यू गेट ओवर हियर इज द आउटपुट दैट यू गेट ओवर हियर इज 1 प्लस सॉरी इट इज माइनस ऑफ R2 by R1 into Vin, right? So this is the first application. And what is this R2? Is this is my R2 and this is my R1. या तो इसको आप RF R0 बोलो कैसे बोलो, it's totally up to you. But you should understand, ठीक है? ये तो feedback resistance है, okay? So this is the first application that we have discussed, okay? अगर इसमें अगर R2 and R1 दोनों equal हो जाएंगे तो क्या होगा? If R1 and R2 both are equal, what will happen? VI. V0 का expression क्या हो जाएगा? R1 is equal to, sorry. अगर R1 जो है, that is equal to R2. तो उस केस में output क्या हो जाएगा? Output will be equal to? V0 will be equal to? Minus of V. Yes? हेलो, जिसका ये माइक्रोफोन ऑन है प्लीज ऑफ कर दीजिए, जिसका ये माइक्रोफोन ऑन है प्लीज ऑफ कर दीजिए. ओके, इफ आर वन इज इक्वल टू आर टू वी नॉट विल बी इक्वल टू वी आई. सो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, सो आई हैव गिवन अ नेम टू दिस एप्लीकेशन दैट इट इज कॉल्ड एज एन इनवर्टिंग एम्पलीफायर. इसी सर्किट में थोड़ा सा मैंने मॉडिफिकेशन किया, दोनों रेसिस्टेंसेस को मैंने इक्वल कर लिया. व्हेन आई इक्वल दीस टू रेसिस्टेंसेस व्हाट इज द आउटपुट दैट आई गेट इज दिस इज द आउटपुट दैट आई गेट. ओके, एंड व्हाट इज द नेम दैट आई एम गिविंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन इज आई विल बी कॉलिंग दिस एज अ फेज शिफ्टर. इसको हम क्या बोलेंगे, आई कैन कॉल दिस एज द फेज शिफ्टर. अगर आपने आपसे किसी ने पूछा कि डिजाइन अ फेज शिफ्टर यूजिंग एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ना आपको लगेगा कि ये तो हमने पढ़ा नहीं है फेज शिफ्टर. ओके, सो फेज शिफ्टर का मतलब क्या है, इट इज नथिंग बट यू आर प्रोवाइडिंग अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्रीज, यू आर प्रोवाइडिंग अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्रीज विदाउट एम्पलीफाइंग. सिंपली मैंने साइनसॉइडल दिया है, वो साइनसॉइडल को आप फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ 180 डिग्रीज. ओके, एंड वो किससे पॉसिबल होगा, दैट इज पॉसिबल ओनली बाय यूजिंग योर इनवर्टिंग एम्पलीफायर. And what is the modification that I need to make in this inverting amplifier is R1, R2. दोनों को equal कर दिया, so जो मेरा required result था, that will be available with me. That is V0 is equal to 180 degree phase shift of V input voltage. Okay, so this kind of configuration can be called as a phase shifter. So this is application number one and this is application number two, that is phase shifter. Is this clear? Yes, sir. Hello. Okay. So let us see what is the third application जो हमने देखा है. Third application is this is negative number and this is positive. I'm connecting the input to this and the output is directly connected to my inverting terminal. यहाँ पे output क्या होगा? V naught is equal to V in. V naught is equivalent to V input. And what is the name that we have given to this kind of application? It is nothing but a voltage. Yes, it is called as the voltage follower. Okay. So these are the three applications. अगर किसी ने आपसे पूछा कि आप फेज शिफ्ट डेवलप करें या इनवर्टिंग एम्पलीफायर, तो इस तरीके से आप इसको उसके बाद बताइए और कौन सा एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया, और कौन सा एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया. सो अभी जो हमने देखा दैट वाज इनवर्टिंग एम्पलीफायर. नॉन इनवर्टिंग में कैसा होता है, व्हाट इज द आउटपुट इक्वेशन ऑफ नॉन इनवर्टिंग, व्हाट इज द आउटपुट इक्वेशन
वन प्लस आर एफ अपॉन आर नॉट इनटू वी. यस. सो इफ यू टॉक अबाउट द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट इज इक्वल टू वन प्लस आर टू बाय आर वन, वन प्लस आर टू बाय आर वन इनटू वी एन. दिस इज नथिंग बट द नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर. वोल्टेज फॉलोअर हमने डिस्कस कर लिया है और उसके बाद हमने देखा था एडर, हमने देख रखा है. सो टू थिंग्स वी हैव सीन, वन इज इनवर्टिंग समर, सिंपली राइटिंग एज इनवर्टिंग समर. तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट वोल्टेज जो होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वी वन प्लस वी टू. ओके. एंड आपका जो प्रॉपर एडर जो होगा, नॉन इनवर्टिंग एडर या तो सिंपल एडर में बोलूँ, सो दिस इज वॉट वी हैव सीन, वी नॉट विल बी इक्वल टू V1 plus V2. So these are the applications that we have seen. And if we count how many applications there are, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 applications we have seen. Now the question is, we need to design a subtractor. Subtractor ka matlab kya hota hai? Agar maine do inputs diye, if I'm giving two inputs, what is the output that I expect is, the output mein kya hona chahiye? Dono ka difference mujhe output mein milna chahiye. So aap mujhe bataiye, kaise design karenge ye subtractor? So how do you design this subtractor? This subtractor से पहले आप देखेंगे differential amplifier. Differential amplifier के बाद में आएगा. By just taking few approximations, we will be getting the exact subtractor जो हमें मिलना चाहिए. Okay? So यहाँ पे जो होगा, I'll be writing the results directly. So please थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. So first we are seeing differential amplifier लेकर उसके बाद में उसी condition में आएगा आपका subtractor. So what is our behavior is, we have a resistance. So this is V1 and this is V2, this is R1, R2, and this is R3 and R4. This is the output. क्या आएगा बताइए आप? What is the output you get here? What is the first impression that you get? Is it a closed loop configuration? Is it a closed loop configuration? Okay, negative feedback. Yes, negative feedback configuration. Yes, so can I use the concept of virtual ground? Yes, I can use the concept of virtual ground. Okay, so yahan pe hum one source at a time lenge. So pehla main kya le raha hu? I'm considering this V1. Jab main V1 consider karunga, V2 ko main kya karunga? V2 ko main kar dunga short. And I can short this. Isko main jab short kar dunga, V plus ka potential kitna hoga bataiye? V प्लस का पोटेंशियल कितना होगा जब मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा? V प्लस का पोटेंशियल कितना होगा व्हेन आई शॉर्ट दिस V2? जीरो. जीरो. यस, इट विल बी इक्वल टू जीरो. यस, दिस विल बी, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा जीरो होगा. ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा. सो अगर मैं इस सर्किट को देखूंगा, अगर मैं V2 को हटा दूंगा, तो सिंपली दिस विल लुक लाइक अ नॉन इनवर्टिंग इनवर्टिंग एम्पलीफायर. तो उस केस में जो आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन है मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, दैट इज वी जीरो वन. व्हेन आई एम कंसीडरिंग दिस वी वन एंड डीएक्टिवेटिंग दिस वी टू, नथिंग बट बाय शॉर्ट सर्किटिंग दिस वी टू. ओके, व्हाट विल हैपन? यहाँ पे जो पोटेंशियल आ जाएगा जीरो आ जाएगा. व्हेन द पोटेंशियल हियर इज जीरो, यहाँ पर भी जीरो पोटेंशियल आ जाएगा. दिस इज लुकिंग सिमिलर टू दैट ऑफ एन इनवर्टिंग एम्पलीफायर विद एन इनपुट ऑफ वी वन. तो मुझे डायरेक्ट इसका आउटपुट इक्वेशन पता है, आई नीड नॉट राइट any equation over here. What is that? The final result is minus of R2 by R1 into input voltage. And what is the input voltage? Input voltage is V1. I hope it is clear. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Source
अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ग्राउंड करेंगे, इस सोर्स को हम कंसिडर करेंगे. वॉट इज द नेक्स्ट थिंग दैट विल बी डूइंग, यस द नेक्स्ट थिंग दैट विल बी डूइंग इज V02 मुझे निकालना है बाय डीएक्टिवेटिंग दिस V1 एंड बाय एक्टिवेटिंग दिस V2. सो इन दैट केस द आउटपुट वोल्टेज विल बी V02. V02 का वैल्यू कितना होगा बताइए. V02 क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं? कैन आई डायरेक्टली राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ V02? वन प्लस यस सर R1 into R3 plus R4 upon R3 आएगा ना सर? Yes, नहीं नहीं आएगा वैसे. And what about this V plus? V plus will be equal to V2 into R4 divided by R3 plus R4. Is this clear? Output voltage क्या होगा? Yes, R2 by R1 into V plus. And what about the value of V plus की जो value है, that is V2 into R3 divided by, sorry, R4 divided by R3 plus R4. And what about the output voltage? Output voltage is the sum of these two values. Output voltage जो होगा, that is the sum of V01 and V02. I'm giving you the direct result to this. I'll be giving the direct result. डायरेक्ट रिजल्ट इज, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही रिजल्ट आएगा, दैट इज R2 by R1 into V2 minus V1. नाउ तो जैसे यहाँ पे ये रिजल्ट आने के लिए जो आपको रिक्वायर्ड होगा, दैट इज R3 को इक्वल करें टू R1 एंड R2 should be equivalent to R4. Is this clear? If I'm using this result, this result ko use karke, agar main is equation mein substitute karunga, so what is the output voltage that I'll be getting is, the output voltage that I get is this one, that is R2 by R1 into V2 minus V1. Is this clear? Ye result kaisa hai? I'm not writing this entire result. Yes, sir. Result ko nahi likhunga, ab khud calculate karoge, aa jayega ye. इन दोनों को आपको ऐड करना है. आउटपुट वोल्टेज कहाँ पे है? दिस इज द आउटपुट वोल्टेज, दिस इज द सम ऑफ V01 एंड V02. नाउ यू मे से व्हाट इज दिस V01? आई हैव कंसीडर्ड द सुपरपोजिशन थ्योरम, नथिंग बट वन सोर्स एट अ टाइम. तो यहाँ पे मैंने V1 को कंसीडर किया है और यहाँ पे मैंने V2 को कंसीडर किया है. इज दैट क्लियर? तो उस तरीके से द सम दैट आई गेट इज V01 प्लस V02. यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन में मुझे R1 रिजल्ट दैट आई गेट इज R2 बाय R1 V1. इज दिस क्लियर? एंड ये जो रिजल्ट है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज रिजल्ट लुकिंग सिमिलर टू दैट ऑफ योर डिफरेंशियल एम्पलीफायर. अगर आप लोगों को याद होगा डिफरेंशियल एम्पलीफायर में भी सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट आता था, गेन टाइम्स V2 माइनस V1. तो यहां पे गेन क्या हो गया, R2 बाय R1. इज दिस क्लियर? यस सर. ओके, so this is nothing but a differential amplifier. Differential amplifier. But हमें क्या चाहिए था? We wanted a subtractor. Subtractor का मतलब क्या होता है? V2 minus V1 should be the actual result. क्या आना चाहिए? V2 minus V1 जो है वो result आना चाहिए. क्या यहाँ पर मुझे वो result आ रहा है V2 minus V1? या उसके साथ एक और term यहाँ पर मुझे extra मिल रहा है? R1 equals to R2. Yes, so the result that I want is V2 minus V1, and for that to happen, this resistances should be equal, R2 should be equal to R1. So that is nothing but a subtractor circuit using an op amp. ठीक है? तो if you are asked कि अगर आपको subtractor circuit draw करना है, so कैसे draw करेंगे आप? So इस तरीके से आप the value of this resistance is, यहाँ पे resistances की values को आपको ध्यान देना है, because if you mess up with these resistances, आपको जो actual result है वो result नहीं मिलेगा. This is R, this is also R, यहाँ भी R है, इस resistance की value भी, ये जो resistance है, this should be R, and ये जो resistance ground पे connected है, even this resistance should be equivalent to R.
Okay, this is negative and this is positive. This is V1 and this is V2. यहाँ जो आउटपुट जो आपको मिलेगा दैट इज वी टू माइनस वी वन. क्या है ये? दिस इज नथिंग बट अ समझ में आया आपको? हेलो. यस सर. ओके, देखिए हमें ये जो रिजल्ट जो मुझे चाहिए था वी टू माइनस वी वन कहाँ से आए इसको आप देखिए. दिस इज द एक्चुअल सर्किट. यहाँ दिस इज द एक्चुअल सर्किट. हर रेसिस्टेंस की वैल्यू अलग है, आर वन आर टू आर थ्री एंड आर फोर. इसके बाद हमने क्या किया है, ये इस सर्किट का हमने आउटपुट वोल्टेज निकाला. कैसे? बाय कंसीडरिंग वन सोर्स एट अ टाइम. सो इफ आई कंसीडर वी वन, सो दिस इज द आउटपुट दैट आई गेट, माइनस आर टू बाय आर वन इनटू वी वन. ओके, एंड इफ आई कंसीडर दिस वी टू, इफ आई कंसीडर दिस वी टू, so this is the output expression, that is 1 plus R2 by R1 into V plus. V plus kya hai? V plus is the voltage at this particular node. V plus is the voltage at this particular node. And V plus kaise aayega? By using a potential divider rule. So this is V01 and this is V02. Ye jo V plus hai, isko aap aisa ki yahan substitute kar denge to aapko V02 aa jayega. And what is the total output? Total output will be the sum of V01 and V02. You just write a complete equation. उस equation को लिखने के बाद में what is that you have to do is equate R3 and R1 as equal and दोनों को equate कर लीजिए that R3 is equal to R1 and R2 is equal to R4. इन दोनों को इस तरीके से ये condition लेके अगर आप इसमें आप substitute करोगे इस condition को, what is the final output that you will get is R2 by R1 into V1 minus V, sorry V2 minus V1. And this result is looking similar to that of your differential amplifier. डिफरेंशियल एम्पलीफायर का रिजल्ट क्या होता है अगर आपको याद होगा? V नॉट इज इक्वल टू गेन टाइम्स V2 माइनस V1. सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन डिफरेंशियल एम्पलीफायर का डिस्कस करते हो. सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट यहां पे मिला, दैट इज दिस इज द गेन, दैट इज R2 बाय R1 इज द गेन, दैट इज V2 माइनस V1. सो व्हाट इज दैट आई एम कॉलिंग दिस सर्किट एज? आई एम कॉलिंग दिस सर्किट टू बी अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर. But if I want the subtractor from this circuit, what is the one more condition that I need to use here is R2 and R1 both should be equal. अगर R1 R2 both equal है, तो उसका मतलब क्या है कि सारे जो resistance है circuit में all are equal. So whenever you are asked to develop a subtractor using an operational amplifier, consider all the resistances to be equal. Consider all the resistances to be equal. उसके बाद आपको जो result मिलेगा that is V2 minus V1. लेकिन एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आप देखें R3 R1 नथिंग बट ये जो दो रेसिस्टेंसेस ये सेम होंगे एंड ये जो दो रेसिस्टेंसेस हैं वो सेम होंगे. अगर इसी सर्किट में अगर मैंने इसको इस तरीके से कर दूं, दिस इज R1 R1 R2 एंड R2, अभी आपका रिजल्ट चेंज आएगा, अलग आएगा. सारे रेसिस्टेंसेस R होते तो दिस वुड हैव बीन द रिजल्ट. अगर इन दोनों रेजिस्टेंसेस को सेम रखा है और इन दोनों रेजिस्टेंसेस को सेम रखा है, व्हाट इज द आउटपुट दैट आई गेट इज R2 बाय R1 इनटू V2 माइनस V1. आई होप दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको. हल्का सा रेजिस्टेंस चेंज होते हैं आपका आउटपुट एक्सप्रेशन कंप्लीटली चेंज हो रहा है. आई होप इट इज क्लियर. हेलो. हेलो. यस सर. ओके फाइन. So let us see the new application that is op amp. Integrator. Op amp integrator. So I will give you the circuit. You just tell me the output voltage for the expression होगा वो क्या है.
this is the input and this is output. This is R and this is C capacitor C. अब बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट वोल्टेज एक्सप्रेशन क्या आएगा? व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज एक्सप्रेशन दैट यू विल गेट हियर? ऑपएम्प इंटीग्रेटर. ऑपएम्प इंटीग्रेटर का मतलब क्या होता है? मतलब आउटपुट विल बी एन इंटीग्रल फंक्शन ऑफ द इनपुट, नथिंग बट दिस इज व्हाट यू शुड गेट. आउटपुट इज some k times integral of v input. So this is the kind of output expression that you get. K kya hoga and all these things we will see now. Of this integral, so it will be dt. Okay. So this is the kind of expression you should get. Integral, nothing but output is the integral form of your input voltage. Is it clear? So मुझे बताइए इसका output कैसे आएगा? अगर इनपुट को मैं इंटीग्रेट करूंगा सो दैट विल बी इक्वल टू माय आउटपुट वोल्टेज. टू बी सिंपल दैट इज इट. इज क्या होता है इंटीग्रेटर? इनपुट को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे सो उसका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू माय आउटपुट. सो दैट इज द काइंड ऑफ रिजल्ट दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सर्किट. लेकिन इक्वेशन कैसे आएगा बताइए आप? हाउ टू गेट द इक्वेशन? सो फर्स्ट इज इट अ क्लोज लूप कॉन्फिगरेशन? Yes, sir. Negative feedback, hai? Yes. So what is that I can use? Can I use the concept of virtual ground? Can I use the concept of virtual ground? Yes, sir. Yes, I can use the concept of virtual ground. You have a potential feedback. What is the potential at this particular point? Zero. What is the potential? 0 volts. Okay. So you have a potential feedback. Zero. यहाँ पर भी 0 volts होगा? Yes. यहाँ पर वोल्टेज होगा that will be 0 volts. करंट कैसे फ्लो करेगा? This is how the current will flow. And the current will bypass through my capacitor C. Yes. इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ पर अगर करंट आई है तो यहाँ पर भी करंट आई होगा. Obviously capacitor के across वोल्टेज होगा. So let me name this as plus minus VC. क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए एक बार? इज देयर एनी कंफ्यूजन के लिए? ओके. सो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 - V0 इज इक्वल टू VC? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 - V0 इज इक्वल टू VC? VC क्या है? इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो है. इस पर्टिकुलर नोड और इस पर्टिकुलर नोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है isn't it that equal to VC? वही तो मैंने लिखा यहाँ पे जो पोटेंशियल है दैट इज 0. 0 - V0 इज इक्वल टू VC, द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर C. यस, लिख सकते हैं इस तरीके से इसको? यस सर. हेलो. ओके. सो नाउ V0 बिकम्स माइनस ऑफ VC. ओके, सो VC क्या होगा बताइए एक बार? V0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर? इक्वेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ करंट? इफ आई हैव टू राइट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, जैसे इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज हम बोलते हैं V इक्वल टू L इनटू di/dt, उसी तरीके से इफ इट इज अ कैपेसिटर व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर? You might have studied in your AC analysis and पढ़ा होगा आपने अच्छे से. Voltage across the inductor is L di/dt. उसी तरीके से voltage across the capacitor होता है, क्या होता है? क्या होता है voltage across the capacitor? 1/C (I/dt). पढ़ा है या नहीं बताइए at least एक बार. Voltage across the capacitor is equal to 1/C (I/dt). Have you studied this or not? Voltage across the capacitor जो होता है 1/C (I/dt) and voltage across the inductor is equal to L into di by dt.
इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, एल इंटू डी आई बाय डी टी, एंड फॉर कैपेसिटर इट इज 1 बाय सी इंटीग्रल आई डी टी. एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए यार, एंड एक्सपेक्ट दैट यू नो अगर आप रेस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हो. तो यहां से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वॉट इज दिस आई, दिस आई इज इक्वल टू दिस करंट राइट. ये जो करंट आई है क्या यही करंट दोनों सेम है? यस. एंड दिस करंट क्या दोनों सेम है? बताइए यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है थ्रू कैपेसिटर एंड द करंट दैट इज फ्लोइंग आउट ऑफ द इनपुट टर्मिनल, क्या दोनों करंट सेम है या नहीं है? ये दोनों करंट इक्वल है. ओके, दिस टू करंट्स आर इक्वल. सो इस करंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वॉट इज द एक्सप्रेशन दैट आई कैन राइट फॉर दिस करंट? आई इज इक्वल टू वी बाई आर. I is equivalent to V in minus zero. अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मुझे करंट निकालना है, V in minus zero divided by R, क्या ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं. And the same current is going through my capacitor also. The same current is going through my capacitor also. So if I write it this way, so 1 by C integral I कितना हो जाएगा? V in by R. This becomes V in by R into dt. So what is the final output equation that I'm getting is 1 by tau into integral of V in into dt. So this is nothing but my output voltage equation. The tau is equal to time constant, which is equivalent to RC. And this is the final so yahan agar dhyan se dekhenge, if tau is equivalent to 1, if tau is equivalent to 1, nothing but R and C, agar dono 1 hai, so what happens to be my tau? If tau is equivalent to 1, so output is equivalent to the integral of the input. Agar input ko integrate karenge, so output jo hoga that will be equivalent to my output. So this is nothing but called as an output of op-amp as an integrator. Output mein kya kar rahe hain? Output mein kya mil raha hai? If I integrate the input, whatever the result that I have, I will be getting in the output side. So that is nothing but my output integrator. Samajh mein aa raha hai nahi aapko? Hello. Aaya sir. Okay. नथिंग बट ये इसमें ये आई एम कॉलिंग दिस एज एन एप्लीकेशन. नथिंग बट अगर आपके पास एक सिग्नल है, एंड यू वांट द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ दैट सिग्नल, आपके पास एक लेट मी शो दिस फॉर यू. इफ यू हैव एन इनपुट ओवर हियर, इफ यू हैव अ सिग्नल ओवर हियर, एक सिग्नल है आपके पास. ओके, एंड व्हाट इज दैट यू वांट इज यू वांट द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ दैट सिग्नल. क्या चाहिए आपको? एक इंटीग्रल फॉर्म चाहिए, एक सिग्नल का इंटीग्रल फॉर्म चाहिए. So, उसके बीच में हम क्या यूज करेंगे? उसके बीच में हम यूज कर रहे हैं ऑप एम्प. क्या यूज कर रहे हैं? एक सिग्नल को इंटीग्रेट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं ऑप एम्प. एंड ऑप एम्प को जब हम यूज करेंगे एज एन इंटीग्रेटर, उसका सर्किट डायग्राम क्या होगा? इस तरीके से उसका सर्किट डायग्राम होगा. वी विल बी यूजिंग टू कंपोनेंट्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली रेजिस्टेंसेस. अभी तक जितने भी हमने एप्लीकेशन देखा एवरीवेयर वी आर यूजिंग ओनली रेजिस्टेंसेस, बट इन दिस एप्लीकेशन वी आर यूजिंग रेजिस्टेंस अलोंग विद आवर कैपेसिटर ओवर हियर. इज दैट क्लियर? सो इस सर्किट का रोल क्या है? एक सिग्नल है आपके पास, उस सिग्नल का इंटीग्रल फॉर्म आपको चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बीच में ऑप एम्प कनेक्ट करेंगे, ऑप एम्प एज एन इंटीग्रेटर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट दैट आई विल गेट ऑन द आउटपुट साइड. इज दैट क्लियर? सो दिस इज नथिंग बट ऑप एम्प एज एन इंटीग्रेटर. उसी तरीके से हम देखेंगे ऑप एम्प एज अ डिफरेंशिएटर. नथिंग बट इफ आई हैव अ सिग्नल, इफ आई वांट द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ दैट सिग्नल, सो व्हाट इज दैट आई विल बी यूजिंग? आई विल बी यूजिंग एन ऑप एम्प इन बिटवीन. तो उस सर्किट का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट क्लास. समझ में आ रहा है या नहीं बताइए यार एक बार. यस सर. यस सर. यस सर. यानी कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं. बाकी लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे. कितने लोग क्लास में? 41 स्टूडेंट्स.
And if I start asking questions,